नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिया अधिकारी। हम सीबीएसई एग्जाम सेंटर के बाहर खड़े हुए हैं और सीबीएसई बोर्ड के 12th क्लास के बच्चों का आज फिजिक्स का एग्जाम है। आइए बच्चों से जानते हैं कि उनका एग्जाम कैसा गया। हाउ वाज योर पेपर? इट वाज नाइस, नॉट रियली, इट वाजंट रियली टफ, आई मीन वी कुड सॉल्व इट। तो डेरिवेटिव्स आए थे, न्यूमेरिकल्स वगैरह थे, सो इट वाज हार्ड और नॉट? दे फाइन। आपका पेपर कैसा गया? बहुत हार्ड था वैसे। हाँ, लेंदी था। हाँ, लेंदी तो था। खैर, कौन सा सेक्शन ज्यादा आया था? न्यूमेरिकल्स वगैरह ट्रिकी आए थे या इट वाज नाइस? नहीं, डेरिवेशन बहुत ज्यादा थी, बाकी न्यूमेरिकल्स कम थे। कितने मार्क्स आ जाएंगे? गॉड नोज। आपका पेपर कैसा गया? ठीक गया। लेंदी था? नहीं, इट वाज ओके, नॉट बैड, नॉट गुड। लेंदी तो नहीं था? No, it was fine. और derivations और numericals वगैरह tricky तो नहीं आए थे? Few numericals were tough, but derivations were fine. They were easy. सारा कुछ NCERT based था और बाहर से था? No, NCERT based. कितने marks आ जाएंगे? I hope that I could do well this time. आपका पेपर कैसा गया? मेरा ठीक ठाक गया। थोड़ा tough था? हाँ, tough था, काफी था। Numericals tricky आए थे? हाँ, काफी tricky थे। से पहले sample papers वगैरह किए थे आपने? नहीं। नहीं, सब कुछ एनसीईआरटी बेस्ड था और बाहर से था? 5 मार्कर्स एनसीईआरटी बेस्ड थे, बाकी थोड़ा बाहर का लगा पहले का। ठीक था, लाइक इट वाजंट ग्रेट, इट वाज फाइन, लाइक अ लिटिल मोर वर्क वुड हैव हेल्प्ड, बट आई डिडंट पुट इट दैट मच वर्क, सो आई थिंक इट वाज फाइन। द पेपर आई थिंक न्यू पैटर्न के हिसाब से थोड़ा सा हार्ड था, बट ठीक था जैसा हुआ, आप देखते क्या होता। प्रीवियस सैंपल पेपर्स वगैरह कुछ किए थे, वैसा था या कुछ अलग किए थे? बट इट्स टोटली अ डिफरेंट पैटर्न, सो इट does not relate with the previous year papers, but theek tha, like NCERT se sa sab kuch ya fir bahar se? NCERT se tha, like a lot of stuff was NCERT, direct questions bhi the that were easy, but jo thode bahar se the jitne humne prepare nahi kiya tha wo thode difficult tha. Aisa gaya? Paper to acha gaya, paper acha tha, bahut acha tha, 95 to upar pakka tha, average ke upar tha paper. की तो नहीं आए थे? नहीं, न्यूज़ ऐसा ही आए नहीं थे, दो न्यूमेरिकल आए थे, उससे ज्यादा आए नहीं थे। डेरिवेशंस? डेरिवेशंस भी बहुत कम आई थी, थ्योरी पार्ट ज्यादा था, थ्योरी पार्ट बहुत ज्यादा था। हाँ, तो एनसीईआरटी से आया था या फिर बाहर की बुक्स की जरूरत पड़ी? बाहर के भी थे, बाहर के भी थे, कह सकते हैं। कितने मार्क्स आ जाएंगे फिर फाइनली? 100 में से 95 तो पक्का है, वो तो कोई नहीं बाबा, फिजिक्स के पेपर में सच में वो तो पक्का है, उसमें दुनिया की ताकत नहीं रह सकती। टॉप करोगे फिर फिजिक्स में? 100 की उम्मीद थी, बस एक दो क्वेश्चन ने थोड़ा दिल तोड़ दिया मेरा, वरना 100 लाई लिया थे इस बार। कोई नहीं, अगले बार में पक्का 100 लाएंगे। आपका पेपर कैसा गया? अच्छा था, इजी था, टाइम में हो गया। हाँ, लेंदी था, बट अगर आप लाइक स्टार्टिंग से स्पेस बढ़ा के चलो तो हो जाएगा टाइम पे। न्यूमेरिकल्स कितने आए थे, डेरिवेशंस कितने आए थे? मतलब डेरिवेशन 60-70%, न्यूमेरिकल्स भी ठीक ठाक थे, मतलब मिक्स ही था। अच्छा, थ्योरी पार्ट ज्यादा था? हाँ, थ्योरी पार्ट हमेशा ही ज्यादा आता है, इस बार भी ज्यादा ही था। सब कुछ एनसीईआरटी बेस्ड था या फिर बाहर से? मोस्टली एनसीईआरटी बेस्ड था, बट थोड़ा सा आपको मतलब एक वो प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, मतलब थोड़ा घुमा फिरा के दिया था, बट ठीक था, अच्छा था। तो इट वाज, इस बार थोड़ा सा अलग पैटर्न आया था, आई गेस। हाँ, 20 एमसीक्यूज आए थे 1 मार्कर्स की जगह, मतलब 10 एमसीक्यूज एंड 10 फिल इन द ब्लैंक्स, तो थोड़ा सा वही था। द पेपर ठीक था गया, तब भी अच्छा नहीं गया, एमसीक्यू बहुत टफ थे। हाँ, न्यू पैटर्न के होने के कारण एमसीक्यू काफ़ी टफ दिए थे, डेरिवेशंस तो ईजी थे और मतलब ज़्यादा कंसेप्चुअल बेस्ड इस बार था। हाँ, एनसीईआरटी से आया था या कुछ बाहर से? मतलब मोस्टली अगर हम देखें 80% एनसीईआरटी से था, उसके बाद आपको थोड़ा कंसेप्ट, हाँ, न्यूमेरिकल्स एक भी एनसीईआरटी से नहीं थे, आपको अपना कंसेप्ट यूज़ करके करना था उन्हें। हाँ, अच्छा जाना चाहिए, देखता हूँ अभी, मुझे लगता है मैंने सही किया है बहुत, अभी देखते हैं चेकिंग में कैसा डिपेंड करता है। सर, एमसीक्यूज आई गेस हार्ड आए थे थोड़े से? एक दो सिर्फ ट्रिकी, नहीं हार्ड नहीं आया था, मेरे सेट में सिर्फ ट्रिक एग्जैक्ट थे, कोई वैसे हार्ड नहीं थे। तो डेरिवेशन ज्यादा आए थे या न्यूमेरिकल्स आए थे या थ्योरी पार्ट ज्यादा था? थ्योरी पार्ट ज्यादा था, डेरिवेशन शायद एक दो शेव आया था। सब कुछ एनसीईआरटी से आया था या बाहर से भी कुछ था? थोड़ा बाहर का मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ये और आसान हो जाएगा, एनसीईआरटी से सिर्फ थ्योरी करने से नहीं होगा, थोड़ा बाहर का भी चलेगा थोड़ा। हाँ, तो आपने सैंपल पेपर्स वगैरह किए थे इससे पहले? हाँ बिल्कुल किया था, नहीं प्रीवियस ईयर नहीं, सिर्फ सैंपल पेपर। हाँ, कितनी एक्सपेक्टेशन से कितने आ जाएंगे? अब मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, लोगों का बद्दुआ लग जाएगा, लेकिन 60+ आना चाहिए, पता नहीं।
तो हमने बच्चों से बात की कि उनका फिजिक्स का पेपर कैसा गया। आज सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th का फिजिक्स का एग्जाम था। बच्चों ने बताया कि पेपर थोड़ा सा लेंदी था, साथ ही ये भी बताया कि सब कुछ एनसीईआरटी से ही आया था, लेकिन न्यू पैटर्न था इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर लग रहा था। साथ ही साथ ये भी बताया कि आपको बाहर से भी करना होगा क्योंकि थ्योरी पार्ट ज्यादा आता है और बच्चों को ज्यादा अच्छे मार्क्स की एक्सपेक्टेशंस भी हैं यहाँ पे। तो आई होप कि सभी बच्चों के अच्छे मार्क्स आए और उनको नेक्स्ट एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।